हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से अपनी रीडिंग सुनिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकती हैं। सो आई एम टेकिंग 1, 2, 3, 4 and 5 कार्ड ओरेकल रीडिंग, ओरेकल गाइडेंस ओनली फॉर यू सीमा बिरादर। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। ओके, ओके, पहली बात है सीमा बिरादर, होप किसी को भी, आपको क्या, किसी को भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पास कई सारे एक्सपेक्टेशंस हैं अपने लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकते हैं, और हो सकता है अभी आपकी थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगी, और ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा कई बार आपके क्या, कई लोग ऐसे करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर अजम्पशंस भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और फिर हमारे पास हमको जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि होप फॉर द बेस्ट, ये आपके लिए सेंटेंस बिल्कुल फिट होता है। चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, किसी भी स्पेस ऑफ योर लाइफ में हो, आपकी पर्सनल हो, आपकी प्रोफेशनल हो, फिनेंशियल हो, एंड कुछ भी हो, उसमें आपको ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। मतलब गलत चीज़ में भी और जो नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढना आपकी जिम्मेदारी बनती है सीमा बिरादर। और जब आप ऐसा करेंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेगेटिव सिचुएशन कब पॉजिटिव में बदल गई आपके लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है कि भोलापन या जो ऑनेस्टी होती है उसको जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और जो भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं उनको एक्साइटेड होकर, जैसे बच्चे का एक्साइटमेंट होता है ना सीमा जी, उस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए। ऑनेस्टी एंड एक्साइटमेंट फॉर द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो अपने अपने लाइफ में जो एक पॉजिटिविटी है, या एक जो चीज़ होती है जिसको आप नया नई चीज़ को किस तरह से हैंडल करें, तो वो स्किल आपको डेवलप करना चाहिए सीमा जी। अब कोई भी नई चीज़ आती है तो नई चीज़ कई लोगों के लिए चैलेंज होता है, कई लोगों के लिए इट्स लाइक ए प्लेफुल थिंग, ठीक है, उनकी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि चैलेंज नहीं है तो लाइफ में मज़ा नहीं है इस तरह का। तो उस तरह का आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर एटीट्यूड आप लाएंगे और चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। और आपको ध्यान देना चाहिए, दो चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं आपके लिए सीमा बिरादर। पहली बात कि ऑप्टिमिज्म होना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। किसी भी हालत में आपको नेगेटिव नहीं रहना है। अगर नेगेटिव रहेंगी तो जो आने वाला है, यूनिवर्स जो आपको देने वाला है, वो भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी कोई भी हो, अगर आपका एटीट्यूड में नेगेटिविटी है, या आप हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते, तो सक्सेस आती हुई सक्सेस भी निकल जाती है हाथ से, तो ऐसा मत कीजिएगा। दूसरी बात है कि आपको आपको ये पता नहीं है कि जो यूनिवर्स है या ओरेकल है आपके लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कई सारे मेंटल ब्लॉक आपके दिख रहे हैं किसी कई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर। तो पहले आप उस पर काम कीजिए, मेंटल ब्लॉक्स को हटा दीजिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं सीमा बिरादर। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और अगर आप मेंटल ब्लॉक को हटाकर पॉजिटिविटी के साथ अगर आप चीज़ों को हैंडल करेंगी सीमा जी, अबेंडेंस इज देयर फॉर यू किसी भी फील्ड में, आपके आपकी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपके फिनेंस में अबेंडेंस होगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए जो यूनिवर्स काम कर रहा है। आपने ऐसी सक्सेस सोची नहीं होगी, क्योंकि जो सक्सेस मैजिकल होगी, और मैजिकल सक्सेस के साथ
अगर आप किसी की हेल्प करती हैं या आप चैरिटी करती हैं, और हेल्प हमेशा पैसों से नहीं होती सीमा बिरादर, अच्छा बोलना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती हो सकती है आपके लिए। अच्छा, जब आप जिसकी हेल्प कर सकें उसकी हेल्प करना, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। तो आपके लिए जो सक्सेस अबंडेंस मिक्स विद ब्लेसिंग, ये आपके लिए बहुत कुछ वंडर आपके लिए कर सकती है। और आपको थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज इन योर एक्सपेक्टेशन, चेंज इन योर हेल्पिंग नेचर, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक है उसको हटा दीजिए, उसमें थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपके लिए ब्लेसिंग अबंडेंस सक्सेस आपके लिए ज़रूर मिलेगी। ओरेकल आपको बोल रहा है कि ये इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सो वेट फॉर द विंटर, सो दैट मीन्स अराउंड 10 months आपको लग जाएंगे, और 10 months के अंदर जो आपको सक्सेस मिलेगी वो काफ़ी परमानेंट होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है, और जो आप चाहती हैं वही होने वाला है आपके लिए। बट उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है आपको सीमा बिरादर करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, तब जाके जो सक्सेस है उसको आप बहुत ही वंडरफुली एंजॉय भी कर पाएंगी और सक्सेसफुल भी हो पाएंगी, चाहे कोई भी स्पेस हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फिनेंशियल हो, इवन डे टू डे में भी। सो ऑल द बेस्ट सीमा ब्रदर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेल, एंड होप इज द की फॉर योर सक्सेस, एंड दैट इज ऑप्टिमिस्टिक होप एज वेल एज रियलिस्टिक होप, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन congratulations for winning and participating in this quiz.